बस हो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैक ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज मैं आप लोगों को जादू की छड़ी देने वाला हूँ, और अगर आप लोग रियलिटी में इसको समझ गए तो आप लोगों की जिंदगी में आप लोग कमाल होते हुए नजर आएंगे। वैसे चीजें ऐसी हैं, जैसे जैसे आप लोग चीजों को समझते जाते हैं वैसे वैसे आप लोगों की जिंदगी भी आसान होती जाती है। इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो बोलने वाला हूँ। आप लोग सुबह को उठते हैं और शाम को अपने बिस्तर पर जाते हैं, उसके बीच में आप लोग क्या क्या करते हैं, इस चीज को एक बार सोचिएगा। थोड़ा सा बैठकर इसको टाइम दीजिएगा और एक बार ये सोचना क्या ये रियलिटी में वही चीजें हैं जो आप लोगों ने डिसाइड की थी, या फिर सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसमें अगर आप लोग इस चीजों को देखेंगे ध्यान से तो मैक्सिमम टाइम 99% टाइम आप लोग पाएंगे यार सोचा तो कुछ हो रही था, अच्छा आज ये भी पढ़ लेंगे, ये भी कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। पर लेकिन रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर आप लोग देखोगे तो कुछ और ही गुड़गोबर हो रखा है, यानी कि कुछ और ही चल रहा है, अलग ही पैटर्न चल रहा है जिंदगी में। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग समझ जाइए कि आप लोग की लाइफ में जो डिसिप्लिन नाम का शब्द है वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता है अगर आप लोग इस पैटर्न में अपनी लाइफ जी रहे हैं। पर लेकिन रियलिटी में अगर आज की डेट में आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि हाँ यार ये करना है पूरे दिन में और उसी को आप लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग डिसिप्लिन के पाथ पर चल रहे हैं। और यकीन मानिएगा यार, जिस दिन आप लोगों ने ये इस तरीके से अपनी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के काम से जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उसमें से आप लोगों को डिसिप्लिन, उसमें से आप लोगों को मोटिवेशन निकलता हुआ नजर आएगा जो डिसिप्लिन आप लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी कि आप लोग खुद ही अपने काम को कर अपने अचीवमेंट को आप लोग जब फील करोगे तो आप लोगों के अंदर से मोटिवेशन आएगा। इसको कहते हैं इनसाइड मोटिवेशन। आप लोग कभी बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग खुद मोटिवेट हो रहे हैं और अपने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए बोला गया डिसिप्लिन इज जस्ट चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ, यानी कि अभी क्या चाहिए यार, अभी मुझे मूवी देखनी है, अभी ना मुझे पॉपकॉर्न खाने है, अभी ना समोसा खाना है, अभी ना चाउमीन खानी है, अभी ना बाहर घूमने जाना है, अभी ना किसी से बात कर लेता हूं, अभी ना एक बार व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूं, अभी ना एक बार देख लेता हूं क्या किसी ने कोई फेसबुक पर कुछ डाला, किसी ने कोई रीट्वीट किया, क्या क्या कोई नोटिफिकेशन है, ये है बिल्कुल अभी चाहिए। पर लेकिन एक्चुअल में डिसिप्लिन क्या है कि व्हाट यू वांट मोस्ट, यानी कि रियलिटी में आप लोग क्या चाहिए, किस गोल के लिए आप लोग लगे हुए हैं। तो ये होता है डिसिप्लिन, आप लोग को छोटी छोटी जो चीजें होती हैं जो आप लोग को बर्बाद कर रही होती हैं उसको करने से रोकता है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि जो डिसिप्लिन है वो आप लोग के अंदर है देखिए या नहीं है। अगर है तो उसको लेकर आना है, और उसको लाने का सबसे आसान तरीका है अपनी लाइफ में जब भी आप लोग कोई काम करने जाते हैं उसके पहले प्लान बनाइए। जैसे कि अगला दिन स्टार्ट करने जाना है तो दिन स्टार्ट करने से पहले प्लान बनाइए कि अगला दिन आप लोग कैसा चाहते हैं, और उसके हिसाब से जब आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को ऐसा तो नहीं है एकदम तुम आप लोग एक मशीन बन जाओगे बिल्कुल ऐसा जैसे सोचा है वैसे होगा। पर हाँ, अगर आप लोग 80-90% भी अपना जो शेड्यूल आप लोगों ने बनाया नेक्स्ट डे का फॉलो कर रहे हो तो आप लोग एक बहुत सही पोजीशन में हो, ठीक है। 50% से नीचे जा रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है, कम से कम 50% से तो ऊपर रखना और इसको इंप्रूव करने की कोशिश करना। तो ये शानदार बात बोली गई है अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा, और आप लोग जानते हैं इतनी फेमस पर्सनैलिटी थे तो कुछ तो सोच समझ कर बोला होगा, तो इंप्लीमेंट कर लेना यार जब इतनी बातें बोली है इन्होंने, ठीक है। तो जिंदगी में कुछ चाहते हो चेंज करना तो रियलिटी में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा तो फिर वैसे ही मिलेगा जब तक मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। लेक्चर तो काफी प्यारा रहेगा, इंजॉय करिएगा अच्छे से, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं लेक्चर बनाता हूं तो काफी कुछ मुझे सीखने को मिलता है, तो जब मुझे सीखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो शानदार रहने वाला है। बाकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। और भी कई सारी चीजें शेयर करता हूं टेलीग्राम पर, आप लोग जब जाकर देखोगे तो आप लोगों को और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो उनको भी आप लोग यूज कर सकते हैं पढ़ाई में, कभी कई बार मोटिवेशन में, कई बार गाइडेंस में। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, थोड़ा ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे पहले क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद में लेक्चर के अंदर एंट्री मारेंगे रजनीकांत की तरीके से, ठीक है। बात की जा रही है वर्ल्ड बैम्बो डे के बारे में। तो बांस, जिनका बांस होता है जो बैम्बो, उसके बारे में बात की जा रही है। ये जो एक डे है सेलिब्रेट किया जाता है तो किस दिन, 18 सितंबर को। आप लोगों को यह बताना है थीम क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल अगर बात करें यहां पर, इंटरनेशनल जो इक्वल पे डे है, यानी कि अगर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है लड़का इसको ज्यादा पैसा दे दो, लड़की उसको कम पैसा दे दो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बतानी है। मालाबार एक्साइज के बारे में आप लोगों को हजारों बार पढ़ा चुका हूं, ये तो पता ही है कौन कौन सी कंट्री है, एक तो इंडिया है, तो बताइए तीन कंट्री हो रहा है। आप लोगों को ये बताना है इस तीन कंट्री में पहले जो सबसे अभी फिलहाल जो कंट्री मिलकर एक्साइज किया करती थी ऑफिशियली, अब इसमें एक कंट्री और नहीं ऐड हो गई है जो कि यहां पर इसका पार्ट बन चुकी है। तो पहले कौन सी थी, तीन कंट्री, तीन क्या, दो ही बतानी है, एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो दो और बता दो यार, तो बाकी ये कौन सी बच गई ये बताना है। और क्वाड में सारी कंट्री आती है, क्वाड का मतलब ही चार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, जानेंगे इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आगे बात करें तो ब्रिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ब्रिक जो है एक्रोनिम बेसिकली ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका,
तो ये पांच कंट्री है, ये पांच कंट्री मिलकर आती है अलग अलग फील्ड में, बहुत सारे काम करती है जो भी इनको लगता है सुटेबल है, एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, तो काफी सारे काम करते हैं। अब यहां पर ब्रिक के आगे ये लिखा हुआ है YRF, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में बताएगा जो YSF है ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में बता होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सिमिलर से YRS हो गया, जैसे यशराज फिल्म्स, ठीक है, मूवीज नहीं आती यशराज वाली तो उसके आगे लिखा रहता है ये, ठीक है, तो इस तरीके से बताएगा क्या इसके बारे में। बेसिकली एक तरीके से बेटर सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा, आगे चलते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पर पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, वो मिलकर काम कर रहा है ये है RMI और RMI इंडिया, RMI मतलब रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर ये बेसिकली यूएसए का इंस्टीट्यूट है और इसकी जो ब्रांच है इंडिया के अंदर ये मिलकर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये है यहाँ पर सोनिया। तो क्या है यहाँ पर ये, जैसे कि एक तरीके से आप लोग नाम से देख सकते हैं ये किसी इंसान का नाम लग रहा है पर लेकिन इंसान का नहीं है, ये क्या है, ये एक तरीके की स्कूटी है जो कि जो डिलीवरी करते हैं खाना डिलीवरी वाले या फिर जो भी कोई डिलीवरी कर रहे हैं तो एक तरीके से उनको हेल्प करेगी ताकि वो सामान को डिलीवर कर सकें, और ये जो चलेगी एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, कहने का मतलब ये कि एनवायरमेंट को पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। IIT बॉम्बे के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था एक बार अभी कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों के अभी ऐसे होंगे 8-10 दिन होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इसको जो स्टैब्लिश किया गया था ये 1958 में स्टैब्लिश किया गया था यूनेस्को के साथ में मिलकर, एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री है जिसके द्वारा हेल्प की गई थी फंड में हमारे IIT बॉम्बे को स्टैब्लिश करने में, और ये जो हमारी कंट्री में अगर बात करें दूसरे नंबर का IIT है जो स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, पहले नंबर का कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन से आंसर देता है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है ग्राउंड वेल रिपोर्ट के बारे में, तो याद रखिएगा ग्राउंड वेल जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके द्वारा ये बताया गया कि आने वाले टाइम में अपनी ही कंट्री के अंदर जहां पर लोग रह रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होने के लिए मजबूर हो जाएंगे दुनिया भर के लोग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ह्यूज इंपैक्ट डालने वाला है और 2050 तक का काफी सारे लोग डिस्प्लेस होंगे। तो देखते हैं क्या क्या बातें इसके अंदर की जा रही है, समझेंगे रिपोर्ट के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और देखिए सारे आर्टिकल आप लोगों को नहीं रट रहे पर जो जो आर्टिकल बता देता हूँ कम से कम वो आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, अरे क्वेश्चन था ये, चलिए 1/4 तो बता दिया, ठीक है 1/4 तो है इस आर्टिकल में, आगे बताइए पूरा आर्टिकल क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करा सके, तो जानेंगे इसके बारे में और कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है बिहाइंड दिस आर्टिकल, तो वो भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो यानी कि लेक्चर जो है काफी अच्छा रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर देखिएगा, ठीक है, टकटकी लगाकर सोना नहीं है, लेक्चर देखना है। आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का, नहीं कहते हैं गणेश आय करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैम्बो डे के बारे में। तो जो वर्ल्ड बैम्बो डे है बेसिकली बांस बोलते हैं, बैम्बो नॉर्मली देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा बैम्बो जो है वो ट्री की कैटेगरी में नहीं आता है, इसको बेसिकली किस में रखते हैं, ग्रास की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि बैम्बो जो है उसको घास माना जाता है, इसीलिए बैम्बो को उगाकर आप लोग काट सकते हैं, अगर ट्री की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया था पहले तो इसकी वजह से इसको काट नहीं पाते थे और इसीलिए इसका यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता था, तो कई सारे लोग ने इसके ऊपर बेसिक बात की और फिर इसको ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि ट्री काटना अलाउ नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये घास की कैटेगरी में आता है, याद रखना। 18 सितंबर को डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए बैम्बो के बारे में, और बैम्बो जो है बेसिकली ये इसके जो भी सारे प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा होगा, ये घर पे मुड्ढे वगैरह आते हैं, ठीक है, कई सारी और भी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, जो टोकरियां वगैरह बनाई जाती हैं तो सारी बैम्बो से बनाई जाती है, तो ये देखे होंगे जो प्रोडक्ट, तो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं खासकर ये जो रूरल एरिया है उसके डेवलपमेंट में भी। तो बात की जा रही है प्लांट बैम्बो, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बो, यानी कि थीम जो है बिल्कुल यही है जैसा बोला है, ठीक है, अगर ऐसा भी लिखा हो जाए इट इज अ टाइम टू प्लांट बैम्बो, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, तो ये थीम बोली गई है बेसिकली, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात एक और छोटी सी याद रखिएगा, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो बैम्बो पाए जाते हैं कहां पर उगाए जाते हैं, तो वो है आसाम के अंदर उगाए जाते हैं, ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, और बाकी आप लोगों को ये बताना है अगर क्वेश्चन पूछो आप लोगों से कि हमारी कंट्री में बैम्बो मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नेशनल बैम्बो मिशन, ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आगे चलता हूं, बात की जा रही है इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में, यानी कि हर एक इंसान अगर कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है तो उसको उसकी पेमेंट उतनी ही मिलनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग को पेमेंट जो है वो ज्यादा मिल रही है, आप लोग की जगह कोई दूसरा पर्सन आकर काम कर रहा है तो उसको पेमेंट ज्यादा नहीं मिल रही है, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए जो भी यहां पर काम किया, ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो इसके चलते ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग यहां पर देख भी पा रहे होंगे,
ये फीमेल होगी और ये हो गया मेल। तो नॉर्मली अगर कोई काम जो है वो एक लड़का कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, अगर सेम काम कोई लड़की कर रही है तो उसको कम पैसे दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि लड़कियों को काम पर रख लेते हैं तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा, तो ये गलत बात है। जबकि लड़कियां, ये माना जाता है कि अगर मैनेजमेंट की स्किल के बारे में बात करें तो लड़कियां ज्यादा अच्छी चीजों को मैनेज कर पाती हैं एज कंपेयर टू मेल के मामले में। और अभी कोविड-19 के चलते ये जो चीज थी ये प्रूव भी होगी, जहां जहां कंट्री में, जिस कंट्री में जो लीडर थी वो महिला थी, वो कंट्री जो थी वो कोविड-19 को ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पाई एज कंपेयर टू जहां जहां पर मेल लीडर थे। तो ये ऐसी चीजें भी देखने को मिली। पर लेकिन इस तरीके से सोसाइटी में जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश के अंदर रहते हैं, तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अगर वुमेन एंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों को मिल जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर बात करेगा तो यहां पर भी पांचवा गोल बोलते हैं कि इक्वल, जो बेसिकली जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, और इसी के साथ में रिड्यूस इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग खुद भी यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अलग अलग डायमेंशन में बातें करते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो इंपॉर्टेंस यही बतानी है कि एक तरीके से एंड करना है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सेक्स के नाम पर, कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, उसके नाम पर अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो गैप जो है वो कम होना चाहिए। अगर कोई अर्निंग है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इक्वल काम कर रहे हैं, इक्वल लेवल का काम कर रहे हैं, तो उसको इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पैसा जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं, कोई मेरी जगह अगर कोई एक लड़की पढ़ा रही है तो उसको पैसे कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पढ़ा रही है तो उसको भी इतना ही पैसा मिले, क्योंकि एक तरीके से काम तो पढ़ाने कर रही है, वो एक अलग बात है कि हाँ वो अलग तरीके से पढ़ाने का उसका लेवल हो सकता है, मेरा अलग तरीका होना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन अगर सीनियरिटी में जितना मुझे एक्सपीरियंस है इतना उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक तरीके से जिस लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूं उसी लेवल पर वो पढ़ा रही है, तो इसका मतलब थोड़ा कि उसको कम पैसा मिलेगा। कंपनी में नॉर्मली ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसी तरह का काम कर रहा है, रोटी बनाने की बात आ गई, मैं रोटी बना रहा हूं कोई और रोटी बना रहा है, तो इक्वल उसको पे मिलनी चाहिए जितना भी वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है चीजें, और इसीलिए देखा होगा मैक्सिमम जो ऐसे काम होते हैं जहां पर पेमेंट नहीं होती है वो महिला करती हुई नजर आती है। घर के सारे काम आप लोग देख लीजिए, मैक्सिमम महिला के नाम रहते हैं कि हाँ ये औरत करेगी, तो इसीलिए इसके ऊपर कई बार बातें भी उठाई गई। अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के अंदर जब इलेक्शन थे तो कमल हसन साहब के द्वारा ये बात उठाई गई जो काफी इंपॉर्टेंट थी, क्या महिलाओं को उनके जो घर का काम होता है, हाउस होल्ड वर्क होता है, उसके लिए पेमेंट मिलनी चाहिए, ये बात बेसिकली बोली गई थी। तो काफी बड़ा इशू भी बना, उसके बारे में बात की गई, पर लेकिन फिर दब गई बात है, आप लोगों को पता है वो बेसिकली महिलाओं से रिलेटेड था। 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है आज तक पार्लियामेंट के अंदर 2008 से अटकी पड़ी चीज है, ठीक है, जबकि पार्टी फुल मेजोरिटी में आज की डेट में भी, वो भी पास नहीं कर रहे हैं, समझ सकते हैं आप लोग। तो इसलिए वुमेन को आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट ऑलरेडी किया जाता है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल जो बात की जा रही है, इक्वल पे फॉर जो इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि अगर एक काम उनके द्वारा किया गया जो किसकी वैल्यू अगर देखने को मिले तो उतना ही पेमेंट उनको भी मिलना चाहिए। तो यह है बेसिकली इसकी थीम। तो वुमेन एंपावरमेंट के बारे में कई सारे पॉइंट आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिए, तो इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी, ठीक है। आइए तो आगे चलते हैं, छलांग लगाते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। यहां पर हम लोग बात करेंगे सोट न्यूज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारी बातें आप लोगों को इंटरेस्टिंग जानने को मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है अभी व्हाइट हाउस के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ठीक है, तो वो फर्स्ट पर्सन होंगे जो कि क्वाड मीटिंग बेसिकली देखने को मिलेगी अभी 24 सितंबर को, तो उसके ऊपर यहां पर फोकस देकर चलेंगे। ये इनके द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है, कि यहां पर अभी क्वाड मेंबर मिलेंगे तो होस्ट करेंगे फर्स्ट इन पर्सन। अब तक जो चीजें चल रही थी मैक्सिमम वो कैसे चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी नॉर्मली, ठीक है, तो देखते हैं अभी चीजें कैसे आगे होने वाली है। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर मोदी जी, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर जिनका ये नाम भी भूल गए थे इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है यहां पर योशिहिदो सुगा। हालांकि ये अभी बोला जा रहा है कि वरना छोड़ने वाले हैं पोस्ट, क्योंकि ये ढंग से पेंडेमिक को, यानी कि कोविड-19 को मैनेज नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। तो ये मीटिंग अभी होने वाली है। तो इंडियन ओशन के अंदर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो सबसे खतरनाक चीज है, मतलब कि जो है चाइना, ठीक है, ये काफी बड़ा उल्टी सीधी हरकतें करता है, और नेचुरली देखो तो सुनामी आती है, ठीक है, कई सारी और हरकतें देखने को मिलती है। तो इसी के चलते कोशिश ये की जा रही है कि आगे चलकर मिलकर यहां पर इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जो जापान है, मिलकर काम करें। तो इनफॉर्मल अलायंस जो है यहां पर जो देखने को मिल रहा है, ये उसी के बदले में यहां पर तैयार किया गया था, ठीक है, कि ऐसा कुछ लेकर चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो एबे, उनके द्वारा फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, वहां से चीजें पहली बार निकल कर आई। तो इनको पहले यहां पर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला करते थे, पर लेकिन फिर लेने लगा यार सिक्योरिटी डायलॉग तो बस सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, थोड़ा सा और कुछ बड़ा काम करें। तो फिर आगे चलकर यहां पर बेसिकली एक फ्रेमवर्क के नाम में इसको ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्वाड एक फ्रेमवर्क की तरीके से देखा जाता है, कोई सिक्योरिटी पर्पज के लिए नहीं, किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। तो उस तरीके से 2017 में, याद रखिएगा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, ये भी एक बीमारी की वजह से अपनी पोस्ट छोड़कर गए, काफी अच्छे लगते थे पर्सनली मुझे, एक सही एक
सुलझा हुआ इंसान आप लोग बोल सकते हैं। तो इनकी बीमारी हुई इनको, इसकी वजह से इनके द्वारा पोस्ट छोड़नी पड़ गई और बीमारी भी एक ला इलाज बीमारी मानी जाती है, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी था, अगर आप लोग रेगुलर सुनते हैं तो काफी पुरानी बात होगी। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है इसको क्वाड बोला करते थे, तो इनके द्वारा बेसिकली बनाने की बात की गई थी 2017 में यहां पर, जो बेसिकली चाइना की थ्रेट को ध्यान में रखते हुए आगे इसको और ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की गई। रूल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि रूल है यार, जैसे कि एक तरीके से कोई काम करना है तो उसके लिए एक पैटर्न बना हुआ है कि ऐसे आप लोगों को ये काम करना है, पर लेकिन पता चला ये काम तो इस तरीके के पैटर्न के हिसाब से करना था, आप लोग किसी और पैटर्न में ये काम कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो जिस तरीके से यूएन क्लोज हो गए, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो सी को लेकर जो एक लॉज है उनको चाइना फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा है वो, इसलिए यहां पर वो दूसरों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार आप लोगों को चीजें जो है ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर इसकी मीटिंग हो रही है, तो क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं इस तरीके से। तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग याद रखोगे, बहुत सारी चीजें एक तरीके से रेगुलर अगर सुनते हो फिर तो चीजें याद रहने लगती हैं आप लोगों। मार्च में याद होगा 2021 में मैंने जब डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि क्वाड की मीटिंग हुई थी, उसमें बोला गया था द स्पिरिट ऑफ क्वाड, ठीक है। तो उस टाइम पर देखने को मिला। और मालाबार एक्साइज के बारे में तो आप लोगों को बताइए, पहले यहां पर यूएसए और इंडिया के बीच में मालाबार एक्साइज हुआ करती थी, फिर आगे चलकर इसमें जापान ऐड हो गया और अभी 2020 में इसमें हम लोगों ने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड कर लिया। तो सारे क्वाड मेंबर जो हैं वो मालाबार एक्साइज में पार्टिसिपेट करते हैं और मालाबार एक्साइज जो है वो एक नेवल एक्साइज है जो कि 1992 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई बैकग्राउंड की। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछने का हक मेरा बनता है जब इतनी बातें बता देता हूं। अब ये बताइए रिसेंटली जो मालाबार एक्साइज हुई है वो कहां पर हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, और जो आइलैंड है जहां पर ये हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसिकली कई बार न्यूज में भी रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है डॉक्टर रेणु स्वरूप। तो यहां पर ये सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो एक तरीके से सेक्रेटरी जो होती है वो काफी हाईएस्ट पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं अगर बात करें यहां पर बेसिकली जो सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है। हालांकि ऊपर जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर लेकिन यहां पर ये एक हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है अगर इस लेवल पर आप लोग बात करें, ठीक है। तो यहां पर ये काफी अच्छे से इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करें और इसमें कोलैबोरेट करें और कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ में, और आगे चलकर यहां पर जो हम लोग ब्रिक यंग जो साइंटिस्ट फोरम है उसको लेकर हम लोग ढंग से चलें आगे, ठीक है। तो ब्रिक यंग साइंटिस्ट फोरम जिसको मैंने जो यशराज बोला था ना वो वाली चीज, तो यहां पर YSF है, यहां पर इसको बोलते हैं यंग साइंटिस्ट फोरम। तो ब्रिक के साथ में यहां पर यंग साइंटिस्ट फोरम यानी कि जो यंग चिल्ड्रन है उनको आगे लेकर लाया जाए और अच्छे से आगे लेकर चले और उनका इंटरेस्ट देखें और फिर सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है इन चीजों को लेकर वो सोल्यूशन निकाले। तो ये जो बेसिकली ये जो ग्रुप है बनाया गया था 2016 में, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यहां पर होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, फिर आगे चलकर यहां पर 2017 में चाइना, फिर आगे चलकर जो साउथ अफ्रीका के साथ में 2018 में, ब्राजील 2019 और 20 में हो गया 2000 यहां पर, ये हो गया बेसिकली रशिया के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंट्री साउथ अफ्रीका हो गया, तो फिर से अभी यहां पर इंडिया के हाथ में इसकी बागडोर आ गई है। तो अब की बार यहां पर ये 4 डे बेसिकली कॉन्क्लेव आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर, जो कि 13 से स्टार्ट हुआ और आगे चले गए यहां पर ये 16 तक मतलब चला, ठीक है। तो इसके चलते 16 को ये एंड हो गया। तो यहां पर ये यंग साइंटिस्ट जो है इनके आइडिया जाने गए, इनोवेशन क्या क्या है और इसके लिए यहां पर अवार्ड भी रखे गए, तो इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ताकि इनोवेशन के फील्ड को लेकर आगे चला जा सके और जो भी पर्टिकुलर इस फील्ड में काम करना चाहता है कोई बच्चा उसको एक तरीके से प्रमोट किया जा सके कि हाँ यार तुम कर सकते हो और एक तरीके से कैपेबिलिटी है, तो एक तरीके से उनके आइडियाज को समझा जाए, अगर कोई और अच्छा आइडिया दे रहा है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो यंग साइंटिस्ट फोरम है यहां पर ब्रिक की, इसके बारे में अगर बात करें तो एक तरीके से अवार्ड के थ्रू यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो चीजों को सपोर्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो कॉन्क्लेव होगा याद रखना, ये बेसिकली जो ब्रिक यंग साइंटिस्ट फोरम का, तो जैसे यहां पर 2016 के बाद में 17 में चाइना में होता, तो 20 के बाद में 21 में भी चाइना में होने वाला है, ठीक है। तो फिर साउथ अफ्रीका में होगा 18 आगे चल के 23 में। तो इस तरीके से पैटर्न याद रखिएगा स्टार्टिंग वाला, तो समझ जाएंगे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर होस्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी और भूल जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ओके। आगे चलते हैं, प्यारी न्यूज है यहां पर, यहां से पता नहीं मुझे क्यों लगता है क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा अगर क्वेश्चन बने तो। समझ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यसभा के जो चेयरमैन है और श्री एम वेंकैया नायडू और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के जो स्पीकर है उनके द्वारा ज्वाइंटली इनोग्रेट किया गया ये संसद टीवी जो है अभी एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। पहले हम लोग बोला करते थे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे इसको संसद टीवी। तो संसद टीवी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो 15 तारीख से यहां पर हमारे देश में संसद टीवी जो है वो एक तरीके से एक प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 15th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है, उस दिन हम लोगों ने संसद टीवी जो है उसका इनॉग्रेशन किया। बेसिकली बनाया गया था, अनाउंस तो कर दिया गया था ये 15 नहीं एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही, ठीक है
छोड़ो, मार्च में था, ठीक है, डेट याद नहीं आ रही मुझे, मार्च में अनाउंस किया गया था, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को रिवीजन वाली वीडियो के अंदर भी, मार्च की रिवीजन वाली वीडियो अगर उठाएंगे 2020 वाली, उसमें मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में ही 5-7 मिनट के अंदर ही मैंने इसको पढ़ा दिया था, ठीक है, जो मुझे एक्जैक्टली याद आ रहा है। अभी और भी बातें बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है डिसीजन, बेसिकली यहां पर ये फरवरी बोला गया इनके द्वारा, फरवरी में डिसीजन को बेसिकली लिया गया मर्ज करने का, फिर सीईओ बनाया गया, अपॉइंट किया गया, तो मार्च में इसको प्रॉपर पिक्चर में डाला गया, ठीक है, जब यहां पर इसके सीईओ बनाए गए पहले। अभी बात करें सनसेट टीवी जो है वो प्राइमरली 4 कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो किस तरीके से फंक्शन की जाएगी इनके द्वारा, ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन की तरीके से देखेंगे इसको, गवर्नेंस और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम पॉलिसीज के बारे में बातें होंगी यहां पर, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बात होंगी, और इश्यूज इंटरेस्ट जो कंसर्न है कंटेंपरेरी नेचर के उनके बारे में बात करेंगे, इनके जनता को अवेयर करने का काम करेंगे अलग अलग फील्ड में। तो ये 4 कैटेगरी इनके द्वारा बेसिकली काउंट की गई है। तो ये तो हो गई बेसिकली कुछ अलग तरीके की बातें। अब बात कर लेते हैं अगर प्रीलिम्स में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो क्या क्वेश्चन बनेगा। ये जो स्लाइड है मैंने अभी आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दी थी, अगर आप लोगों को लगता है तो इनको डाउनलोड करके आप लोग रख लिया करो। देखो यहाँ पर ये है इस तरीके से, इनको बेसिकली मोबाइल में रख लिया करो, कभी आ रहे हो इधर उधर जा रहे हो तो स्क्रॉल करके फटाफट देख लिया, ठीक है। तो टेलीग्राम पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, और आंसर राइटिंग पता है आप लोगों को, अगर आप लोग कंटिन्यूअसली अभी लिख रहे हैं कई सारे बच्चे, तो जिसको अभी पेपर नहीं देना है आगे पेपर देना है तो कंटिन्यूअस रखना, वरना मन तो कर रहा था बंद कर देते हैं पर लेकिन कई सारे बच्चे बोले कि आंसर राइटिंग बंद मत करना सर, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा है उसको, ठीक है। तो आंसर जरूर देते रहो, एक दूसरे का आंसर जो है वो रिव्यू भी करते रहो। अगर बात करते हैं यहां पर बोला गया आफ्टर 2 ईयर ऑफ वर्क, यानी कि जब मैंने बोला ना अभी यहां पर दो, बेसिकली यहां पर मार्च में इसको फाउंड किया गया था, तो यहां पर मार्च से लेके बेसिकली मार्च में इसको अनाउंस किया गया, तो दो साल पहले से इसके ऊपर काम चल रहा था कि ऐसा कुछ करना है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके एक नया टीवी बनाना है जिसको बोला गया संसद टीवी। इंपॉर्टेंट है याद रखना, पहले इसको जो सीईओ बनाए गए इनका, इनका नाम है रवि कपूर, ठीक है। तो रवि कपूर साहब जो है इसके पहले सीईओ बनाए गए, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, 2019 में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि यहां पर फॉर्मर प्रसार भारती के चेयरमैन थे जिनका नाम था सूर्य प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश साहब के द्वारा यहां पर प्रकाश डाला गया जो यहां पर संसद टीवी के ऊपर, तो संसद टीवी निकलकर बाहर आया, तो उसमें से फिर रवि कपूर के साहब के द्वारा यहां पर बेसिकली इसको आगे लेकर चला गया, ठीक है। तो रवि अगर आप लोग समझते हैं थोड़ा सा हिंदी से, अगर आप लोग रिलेट कर पाते हैं, तो रवि जो होता है वो सूरज को भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से याद रखिए सूर्य प्रकाश के द्वारा प्रकाश डाला गया, तो रवि चोपड़ा जो रवि कपूर जो है वो यहां पर बेसिकली बन गया, मतलब कनेक्शन चाहिए बेसिकली याद होने के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसे याद रह गया था ये। आगे चलते हैं यहां पर पार्लियामेंट के बारे में अगर बात करें, तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई, अलग अलग ये टेलीकास्ट करेंगे प्रोग्राम, लोकसभा टीवी को दिया गया बेसिकली प्लेटफॉर्म टेलीकास्ट करेगा हिंदी प्रोग्राम, यानी कि हिंदी पब्लिक करनी है तो वो लोकसभा करेगा, और राज्यसभा जो करेगा प्रोग्राम वो इंग्लिश में पब्लिश करेगा, यानी कि दोनों एक ही तरीके प्रोग्राम पब्लिश करेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, जब यहां पर सेशन चला करेंगे तो दोनों अलग अलग सेशन को यहां पर दिखाएंगे, लोकसभा का सेशन चल रहा है तो लोकसभा टीवी दिखाएगा, और राज्यसभा का चल रहा है तो ये वाला सेशन दिखाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये। तो अभी फिलहाल 15th of September है, तो 15th of September क्या है यहां पर, तो याद रखना यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये डे सेलिब्रेट कहता है, इस दिन इसको अनाउंस किया गया है। अब क्वेश्चन क्या क्या बन जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि किस दिन इसको एक तरीके से इनॉग्रेट किया गया, किन किन एरिया में ये काम करने वाला है, कौन कमिटी थी, कौन पहले सीईओ थे यहां पर ये, ठीक है, अभी हिंदी में कौन और इंग्लिश में कौन है, ये भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इससे बाहर अगर स्टेटमेंट रही भी, तो इतनी सारी स्टेटमेंट ऑलरेडी आप लोगों को पता रहेगी, क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, ये भी एक प्यारी सी इंपॉर्टेंट न्यूज लगी मुझे, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली ब्रह्मन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको बीएमसी बोलते हैं, उसके द्वारा क्या किया गया अभी यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छा काम किया गया कि यहां पर 20,000 किलोग्राम के करीब जो टार बोल हुआ करती है तो उसको हटाया गया बेसिकली जुहू और वर्सोहा बीच से। टार बोल क्या होती है, जिसे क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं ना, आप लोगों को पता है 80% हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं आज के डेट में, 20% ओनली हम लोग अपनी कंट्री में हम लोग मैनेज कर पाते हैं। तो ये 80% जो क्रूड ऑयल होता है इसको कच्चा तेल आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें से पेट्रोल निकालते हो आप लोग, डीजल निकालते हो आप लोग, मिट्टी का तेल निकालते हो आप लोग, ग्लिसरीन निकालते हो, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनको बोला जाता है। फिर हम लोग इनको यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, तो ये अगर बात करें ये जब तक इसमें से नहीं निकला है तो उसको आप लोग क्रूड ऑयल बोलते हो। अगर कोई टैंकर लाया जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर में, पता चला उस टैंकर में बेसिकली कोई आग लग गई, कोई टक्कर हो गई, कोई फटक गया, किसी ने अटैक कर दिया, तो टैंकर फट जाते हैं कई बार, तो उस टैंकर फटने की वजह से जो क्रूड ऑयल होता है वो बहुत गाढ़ा तेल होता है, ठीक है, जैसे आप लोग बोलूं जैसे ना सीरा होता है, सीरम जिसको आप लोग बोल देते हैं बेसिकली, सीरा होता है एक तरीके से, या फिर शहद देखा ना शहद, ठीक है, तो शहद को अगर आप लोग देखोगे तो उससे भी और गाढ़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जब ये इकट्ठा हो जाता है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर, तो फिर इसकी जैसे पानी में गिरा तो यहां पर इस तरीके से उसकी एक तरीके से जत्थे से बनने स्टार्ट हो गए उसको, तो इस तरीके जत्थे से यहां पर काफी सारे इनके द्वारा उठाए गए, तो इसकी वजह से कई बार इंपैक्ट भी पड़ता है यहां पर, कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये एक फुटबॉल की बॉल के बराबर भी होता है, और छोटे लेवल पर अगर आप लोग बात करेंगे इसकी
तो यहां पर बोला गया ग्लू बॉल्स, तो यानी कि एक तरीके से कपूर की गोलियां नहीं होती छोटी छोटी, उसके इक्वल भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यानी कि एक फुटबॉल के बराबर भी इकट्ठा हो जाता है और कभी कभी इतना छोटा भी इकट्ठा हो जाता है। तो यहां से ये टार एंड द डार्क कलर जो यहां पर ये स्टिकी जो बॉल है यहां पर ये ऑयल की निकालेगी जो कि ओशन में तिर रही थी। अब ये इंटरेस्टिंग है काफी, इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे ओशन के अंदर क्यों तिर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है ओयल जो होता है नॉर्मली वो ओशन की सतह पर तैरता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं यहां पर अगर आप लोगों को मच्छरों को मारने आसपास वाले एरिया में तो वहां पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर, तो मच्छर फिर उसके ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, तो यहां पर ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर वो उसके अंदर डूब जाएंगे। रीजन क्या है, सरफेस टेंशन, आप लोगों ने बेसिकली फिजिक्स के अंदर पढ़ी होंगी ये चीजें, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो हल्के हल्के से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोगों, तो इसके चलते काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है अगर यहां पर कोई तेल इस तरीके से फैल गया ओशन के ऊपर। तो अब आप लोग ये सोचिए पूरा जो ओशन है वहां पर उसको अगर आप लोग देखेगा तो ओशन काला काला हो गया वहां पर। जब ओशन काला काला हो गया तो ऊपर से अगर कोई रोशनी आ रही है यहां पर तो आप लोग को देखने को मिलेगा वो रोशनी जो है वो ओशन यानी कि समुद्र के अंदर नहीं जा पाएगी। तो जो भी वहां पर जीव जंतु समुद्र के अंदर रह रहे हैं उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो कई बार जो है मैरीन जो लाइफ है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है, उनकी जान तक जाती हुई नजर आती है। तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी खतरनाक है, उसमें अगर पॉइंट लिखने के लिए आ जाए तो ये वाला पॉइंट भी एक ऐड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट अगर आप लोग ऐड करेंगे डायमेंशन के साथ में तो एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा और दो चार मार्क्स तो रूंगे में दे देगा। रूंगा समझते हो ना, रूंगा जो नहीं समझता उसके लिए है कि जब आप लोग गोलगप्पे खाना जाते हो ना तो गोलगप्पे हो गए एक 20 रुपए के, चार आ गए, पांच आ गए, उसके बाद मतलब पपड़ी दे दो एक एक्स्ट्रा, तो रूंगा होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो वाला है बेसिकली, तो इस तरीके से याद रखिएगा थोड़ी सी बातें। तो यहां पर इसके बारे में ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो अभी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अरेबियन सी की साइड में यानी कि मुंबई में आप लोगों को देखने को मिली, तो अरेबियन सी में है, तो इस तरीके से मुंबई हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, इधर जाएंगे नीचे कर्नाटका, गोवा, केरला, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिकली इस साइड में रीजन क्या है अगर आप लोगों को, चलो ये भी बता देते हैं, एक सेकंड मैप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मैप देखिए, मैक्सिमम जो चीजें हम लोग खरीद कर यहां से लेकर आते हैं ये सारा जो भी हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह, तो यहां पर हम लोग आएंगे तो इधर से आएंगे तो ये बेओ बंगाल हो, सॉरी अरेबियन सी हो गया। अब यहां पर कुछ घटा फटा तो इस साइड में मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कॉमन सेंस से भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए जो कि यूपीएससी बड़ी जल्दी पूछती है, तो मैक्सिमम ऐसी हरकतें आप लोगों को यहां पर अरेबियन सी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कॉमन सेंस की बातें, तो कॉमन सेंस को बेसिकली साथ में लेकर जाना एग्जाम में जरूरी है क्योंकि यूपीएससी के लिए तो काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पेपर पुराने देखे होंगे उठाकर, तो कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं नीति आयोग के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है, RMI के द्वारा, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है यूएसए का, इसका जो इंस्टीट्यूट की ब्रांच है हमारी कंट्री में, मिलकर इनके द्वारा बेसिकली यहां पर सोनिया करके एक स्कूटी यहां पर लॉन्च की गई है, ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर है, ठीक है। तो ओनली जो बात की जा रही है सोनिया इसको यूज करने की बात की जा रही है, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी आर हियर, यानी कि एक तरीके से जीरो पोल्यूशन डिलीवरी यहां पर रहेगी। तो नीति आयोग, ये वही नीति आयोग है जिसको आप लोग क्वेश्चन कई सारे गलत कर आए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के बारे में आप लोग याद रखना, प्रमोट कर रहा है जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो एक्सेलरेट किया जा रहा है इनको, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। तो फेम स्कीम भी मैंने अभी दो दिन पहले आप लोगों को पढ़ाई थी, तो बताइए फेम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्या करते हैं यहां पर, दोनों तरीके से चीजें होनी चाहिए, यानी कि आप लोग इलेक्ट्रिक भी यूज करो और एक तरीके से पेट्रोल डीजल के भी यूज करो, पर लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप लोग पेट्रोल डीजल पर ही लगे हुए हो। कोशिश करो कि 80% जो हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं क्रूड ऑयल उसको ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए, और हम लोग इलेक्ट्रिक पर अगर शिफ्ट हो गए तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं, तो इसी के चलते यहां पर जो कई सारे इस तरीके से कर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग हो रही है यहां पर, ताकि इन चीजों पर हम लोग फोकस देकर चल सके। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है यहां पर उसको लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, ऑनलाइन जो यहां पर ट्रैक किया जाए प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर बात करें तो कहां कहां पर पहुंच गए, क्या चल रहा है, इसी के साथ में कार्बन सेव कर पाएंगे, पोल्यूशन को हम लोग कम कर पाएंगे, काफी सारा फायदा देखने को मिलेगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया याद रखिएगा, क्यों लॉन्च किया गया ये याद रखिएगा। तो ये बेसिक चीजें हो जाती है कई बार, तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बात तो आप लोग इनको बोल सकते हैं, तो ये कम से कम आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर यहां पर ये काम किया जा रहा है। अर्बन एरिया में जो व्हीकल है वो लगभग 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सामान लाने ले जाने का काम करते हैं वो यहां पर बेसिकली पोल्यूशन फैलाते हैं, मतलब 10% पोल्यूशन इन्हीं से निकल कर आता है नॉर्मली अगर देखा जाए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यहां पर इसको कम किया जाएगा ताकि यहां पर चीजें सुधारी जा सके, तो उसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इसके बारे में याद रखना। आगे चलते हैं, आइए अब आप लोगों को IIT में लेकर चलता हूं। अच्छा, कोई सा ऐसा है जिसने IIT से ग्रेजुएशन यहां पर किया है, IIT से बड़ा बंदा है? एक दिन मेरे पास मेल आता है, एक IIT बॉम्बे का ही था बंदा, वो इसलिए याद आ गया मुझे, उसने IIT बॉम्बे में वो बेसिकली सर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था बंदा, ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। तो
तो उसका मेल आता है कि सर मैंने अभी आपका जो है जो चैनल है उसको देखना स्टार्ट किया है, और सर मुझे कुछ नहीं पता था पहले, बहुत सारी चीज़ें अब मुझे बेसिकली आने लगी हैं, तो उसको देखते देखते मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ में आने लगी हैं। तो वो स्टार्टिंग में बेसिकली इस तरीके से था, मतलब नर्वस हो रहा था, ठीक है। तो मुझे ये लगा जब उसने मेल लिखा और फिर मैंने रिप्लाई किया, तो वो इतना खुश हुआ, बोला कि सर मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग आप रिप्लाई करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक तरीके से कई बार हम लोग क्या सोचने लगते हैं, जैसे मान लो कोई आईआईटी का बंदा आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है, कोई यूपीएससी का बंदा आ गया जिसने यूपीएससी क्रैक कर रखा है, तो आप लोग कई बार क्या सोचने लगते हैं, आप लोगों को ये लगने लगता है पता नहीं यार कौन आ गया, वो भी आप जैसे ही लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कई बार जैसे कि पता नहीं यार कौन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए अपने अंदर भी आप लोग कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। तो जब मैंने उससे बातें की, मतलब फोन पर नहीं, मतलब एक तरीके से मेल के थ्रू ही बातें की उससे, तो वो इतना नर्वस हो रखा था जनरल स्टडी के नाम पर। आप लोगों को लगता है ना आईटी के बड़े बड़े सारे आईएएस बन जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो बोला था कि सर कुछ नहीं आता है जनरल स्टडी के नाम पर, हाँ टेक्निकल कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे हैं पर लेकिन जनरल स्टडी में बिल्कुल जीरो हूँ, सर कैसे कैसे चीजों को फॉलो करूँ। तो उसको कई सारी बातें बताई मैंने, इस तरीके की चीजें लेकर चलो, फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम निकला उसका, ठीक है, फिर आगे यूपीएससी के लिए लगा हुआ बंदा हो तब से, ठीक है। बोला सर जब यूपीएससी निकलेगा तो बताऊंगा। तो आगे बात अलग है कि बताते हैं नहीं बहुत सारे लोग, एक अलग ही माहौल बना हुआ है लोगों के माइंड में, पता नहीं किस तरीके से लेके चलते हैं क्या, मतलब जहाँ पे पेड कोर्स खरीदते हैं वहां पे तो सब जाके अनाउंस करते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या चलता है लोगों के माइंड में। चलिए जो भी है, सिलेक्शन लो, एंजॉय करो और सोसाइटी में फायदा पहुंचाओ, बाकी तो सब चलता रहता है। तो बात की जा रही है यहाँ पर आईटी बॉम्बे के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये एक तरीके से कंफ्यूज मत होना आप लोगों से, वो वाले उड़ान, एक तो वाली उड़ान स्कीम है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एम इसका क्या है, यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है अलग उड़ान के बारे में। तो ये उड़ान क्या है इसको समझेंगे हम लोग, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट के नाम अभी हरियाणा पीसीएस में देकर कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन पूछे गए। तो बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली जो टेक्स्ट बुक है उनके बारे में बात की जा रही है, और जो मटेरियल है आप लोगों ने देखा होगा जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम जो अच्छा मटेरियल है वो इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो अभी सामने आ रहे हैं निकलकर, वो ये बोले इवन इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो भी हिंदी में प्रोवाइड कराया जाए या फिर वर्ना लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाए जिस एरिया से आप लोग निकल कर आते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, अगर हम लोग एजुकेशन को ज्यादा लेवल पर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके चलते यहां पर ये अच्छा तरीका रहेगा कि मटेरियल आप लोग हिंदी या फिर दूसरे मीडियम में, लोकल मीडियम में प्रोवाइड कराएं। एक शानदार इंजीनियर है कोई लोकल एरिया में, उसको वो इंग्लिश से इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो ये गलत बात है। टैलेंट जो है वो मीडियम का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैलेंट जो होता है वो कभी भी एक तरीके से लैंग्वेज में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, टैलेंट टैलेंट होता है। इंजीनियर अगर है कोई अंदर से तो उसको इंजीनियरिंग उसकी लैंग्वेज की बेस पर नहीं रुकनी चाहिए। तो उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है। तो ये चीज समझिए, एक पर्टिकुलर प्रोफेसर थे, तो यहां पर जो प्रोफेसर गणेश साहब थे यहां पर, ठीक है, तो इनके द्वारा ये चीज समझी गई। तो प्रोफेसर गणेश साहब के द्वारा यहां पर इनका नाम था पूरा गणेश रामकृष्णन, ठीक है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट के साथ में कनेक्टेड थे, तो इनको लगा इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन होना चाहिए, तो इसने कोशिश की कि इसका सोल्यूशन किया जाए, हालांकि मैनुअली ही चीजें हो रही है। तो जो नॉर्मल टाइम लगता था उसके 1/6 टाइम में यहां पर जो कोर्स वगैरह है उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है अलग अलग लैंग्वेज में, तो ट्रांसलेट करके अलग अलग कोर्स जो है अलग अलग लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसके साथ में कनेक्ट हो सके। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों की उड़ान भरने की बात की जा रही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आईआईटी बॉम्बे जो था वो 1958 में बनाया गया था, ठीक है, 1958 में जो आईआईटी बॉम्बे बनाया गया, तो बेसिकली हमारी कंट्री में यहां पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, तो यहां पर एक तो यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट किया गया और दूसरा सोवियत यूनियन के द्वारा सपोर्ट किया गया, जिसको आज के डेट में रसिया बोल सकते हैं क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया 1990s में जाकर, तो आज के डेट में रसिया बोल सकते हैं कि रसिया के द्वारा सपोर्ट किया गया था। आईआईटी बॉम्बे ये स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, ठीक है, तो एक तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में यहां पर डाला गया 1968 में, कि देश के लिए काफी अच्छी चीजें हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आईआईटीज फिर हमारी कंट्री में खुलने स्टार्ट हो गए, और आज के डेट में आई थिंक 23 आईआईटीज है हमारे देश के अंदर में, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये काफी अच्छा है, वरना पहले बहुत कम सीटें हुआ करती थी, अब एजुकेशन को हम सही लेवल पर और सही डायरेक्शन में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके बारे में याद रखना। अब आगे छलांग हम लोग लगाने वाले हैं काफी इंपोर्टेंट न्यूज के ऊपर, एक एक कर आप लोग देखना, ठीक है। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है बेसिकली ग्राउंड्स ग्राउंड्स वेल के बारे में। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है, क्या क्या बातें इसके अंदर की जा रही है तो समझिएगा आप लोग। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में, तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ रहे भाई साहब की रिपोर्ट क्या है, तो ग्राउंड्स वेल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, तो ये आप लोग याद रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसके द्वारा ये बोला गया कि 2050 आने तक का बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने वाली है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो दिक्कतें होने वाली है वो इंटरनल दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए इसके ऊपर काम करना हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया तो उस तरीके से चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कई सारी दिक्कतें यहां पर निकल कर आने वाली है, तो यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, यह बात बोली गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो देखिए मैंने बोला था कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें अभी बताता रहूंगा, जैसे एग्जाम भी अभी आने वाले हैं,
तो इनको ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड बैंक, इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो होता है इसको बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू वर्ल्ड बैंक IMF एस्टेब्लिश किए गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वॉशिंगटन DC में, आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया गया यहां पर, जो कि पेरेंट इसके पापा कौन है, इसके पापा है बेसिकली कौन है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप 4, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये यहां पर इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। तो बोला गया कि हॉट स्पॉट बन चुका है इंटरनल क्लाइमेट जो माइग्रेशन है आज के में, मान लीजिए आप लोग कहां पर रहते हैं, आप लोग मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे एरिया जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां से लोग माइग्रेट होकर महाराष्ट्र के अंदर ही दूसरे एरिया में जाकर रहना स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरीके समझ सकते हैं। तो 86 मिलियन बोला गया अफ्रीका के अंदर, 40 मिलियन लगभग जो हमारी कंट्री और आसपास वाला अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया वाला रीजन हो गया, 17 मिलियन है लैटिन अमेरिका वाले रीजन में। तो इस तरीके से लोग जो है एनवायरमेंट की वजह से माइग्रेट करने वाले हैं। 2030 तक यहां पर चीजें काफी बढ़ जाएंगी, पर लेकिन और ज्यादा क्राइटेरिया खराब हो जाएगा 2050 तक का, अगर चीजें नहीं सुधारी गई जिस तरीके से अभी चीजें चल रही है उसी तरीके से चलती रही, तो इनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। तो जो सब सहारन अफ्रीका है, जो अफ्रीका का जो बेसिकली आप लोगों को रीजन देखने को मिलेगा जहां पर डेजर्ट है, ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है बेसिकली वो वाले रीजन में काफी ज्यादा वहां पर आप लोगों को मरुस्थलीकरण देखने को मिलेगा, उसके चलते वहां पर जो रीजन है काफी दिक्कत में। तो जो लोग वहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, खेती के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो तो छोड़कर भागेंगे तो दिक्कतें होंगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप लोग बात करते, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं, तो 9% के करीब लोग बोला जा रहा है टोटल पॉपुलेशन के माइग्रेट करने वाले हैं। 9% इज ए ह्यूज नंबर, अगर आप लोग 100 में से 9% देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा 9 लोग ही तो हैं, पर लेकिन यही अगर आप लोग बोले कि एक लाख करोड़ लोग हो गए तो उसमें से आप लोग निकालेंगे 1000 लोग हो गए, अगर उसमें से देखो फिर बढ़ाते चले जाओ नंबर को, तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को फिर ये नंबर ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उस तरीके से आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाएंगे बोलने का मतलब क्या है। तो ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बातें करूं, अगर आप लोगों से, ये फर्स्ट ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई थी 2018 में, ठीक है, तो पहली बार 2018 में पब्लिश की गई थी। इसका बेसिक फोकस एरिया रहता है कि किस तरीके से यहां पर जो आज के में सोसाइटी में रह रहे हैं क्लाइमेट्स का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ताकि ग्राउंड लेवल पर चीजों को हम लोग समझ सके, तो उसी के बारे में यहां पर ये बात करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। आगे बेसिकली बात की जा रही है साउथ एशिया जिसमें हम भी आते हैं, वहां पर बात की जा रही है काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है खासकर बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहां पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना है ना, तो आप लोगों को ये सारा एरिया आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, और यहां पर जब भी मॉनसून आता है तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है इस एरिया में। ये सुंदरी ट्री है उसके नाम से सुंदरबन डेल्टा आप लोगों को देखने को मिलता है बंगाल के अंदर में, तो इसमें काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघलकर पानी जो है ओशन के अंदर आ रहा है उसकी वजह से लेवल बढ़ रहा है, तो लोग जो है कोस्टल एरिया में उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, ये भी बातें बोली गई हैं। बाकी बोला गया 216 मिलियन जो है लोग के करीब यहां पर वो इंटरनल जो क्लाइमेट माइग्रेशन अक्रॉस द आप लोगों को एरिया देखने को मिलेंगे। बेसिकली 6 वर्ल्ड जो बैंक है रीजन के वहां पर 6 जो एरिया है वहां पर आप लोगों को चीजें नजर आई काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग एरिया में, जैसे कि यहां पर बोला गया 6 एरिया कौन से हैं, सारा वाला एरिया हो गया, ईस्टर्न एशिया वाला रीजन हो गया, साउथ एशिया, इसी के साथ में नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, या फिर ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के बारे में बात करें तो कहीं पर 2%, तो कहीं पर 1%, कहीं पर 1.5%, कहीं पर 9%, कहीं पर मतलब 2.5%, तो इस तरीके से लोग जो है आप लोगों को ये इधर उधर जाते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या यहां पर है साउथ एशिया याद रखिएगा जिसमें हम भी आते हैं, तो 1.8% जो टोटल पॉपुलेशन है वो यहां पर इधर उधर होती नजर आएगी, ठीक है, तो ये कम से कम आप लोग याद रखिएगा। तो क्लाइमेट जो है वो काफी ह्यूज इंपैक्ट डालने वाला है, पहले हम लोग खेले क्लाइमेट के साथ में, अब क्लाइमेट खेल रहा है हमारे साथ में, तो यानी कि इसके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर रिड्यूस करना है इनको एमिशन, ठीक है, तो यहां पर लगभग बोला गया 2030 तक का अगर हम इनके द्वारा बोला गया अगर हम लोगों ने चीजें कंट्रोल नहीं करी तो जो 21वीं सेंचुरी में हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, अभी हम लोग 2021 में बैठे हुए हैं, तो अगर हम लोग अगर बात करें आने वाले टाइम में, यानी कि अगर आने वाले टाइम में हम लोग बात करें अभी 2021 के हिसाब से अगर हम लोग 79 ईयर और उसमें ऐड कर देंगे तो बोला जा रहा है कि 2021 में यहां पर अगर देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें चेंज होने वाली है, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोगों को चेंज होती नजर आएंगी। कहने का मतलब यहां पर यह है कि लगभग बोला जा रहा है कि इसी पैटर्न में अगर रेस में चलते रहे तो 3% से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जबकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के द्वारा बोला गया कि 1.5% तक कंट्रोल करना है, 2 तक भी पहुंचेगा तो काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं, तो इनके ऊपर काम करना चाहिए, तो इसीलिए लोगों ने तो बोल खासकर पता नहीं, पर हां गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड की काम करना स्टार्ट कर दिया है, और खासकर कुछ लोग भी ऐसे जिन्होंने अपने घर में सोलर पैनल वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है, जो कोई नया घर बना रहे हैं तो वो ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, इसके बारे में याद रखना।
आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली, ये है यहां पर नेशनल न्यूज, बेसिकली राष्ट्रीय समाचार किसके बारे में, वर्चुअल कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। वर्चुअल कोर्ट क्या होता है, एक तरीके से आप लोग किसी भी सिटी में क्यों ना हो, आप लोग बैठकर अपना केस सुना सकते हैं यहां पर, बेसिकली जो आप लोग ऑनलाइन बातें कर सकते हैं। तो यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन साहब जो है, उनके द्वारा बोला गया, यार मैं ना खुश नहीं हूं इस चीज से, ठीक है। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि यार ये कोर्ट वगैरह आप लोगों ने लगा तो दिए हैं ऑनलाइन, पर लेकिन ये प्रॉपर चल ही नहीं रहे, यहां पर कभी कोई दिक्कत देखने को मिलती है, कभी कोई दिक्कत, कभी कनेक्शन कट जाता है, कभी इको होने लगती है वॉइस में, तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। वैसे तो बोलते हो आप लोग काफी लार्ज स्केल पर हम लोग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हब है, पर लेकिन लग तो नहीं रहा यार आप लोगों का ओपन कोर्ट सॉफ्टवेयर जो है वो काम ही नहीं कर रहे, तो ये खुश नहीं थे उस चीज से। तो उसी के चलते यहां पर आर्टिकल देखने को मिला, तो वर्चुअल कोर्ट जो है जिनको ई कोर्ट भी बोलते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली यहां पर अभी ये लाया गया था ताकि कोविड-19 के चलते लोगों तक जो है हम लोग जस्टिस को पहुंचा सके, और जब यहां पर जस्टिस को पहुंचाने की बात आती है लोगों तक, तो यही आर्टिकल है जो याद रखने का, 142 आर्टिकल यहां पर बात करता है जिससे चीजें निकाल कर लाएगी कि कोरोना वायरस के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली यहां पर ये आर्टिकल का यूज करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग सही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग ये चीजें पहुंचा सके, तो ये बेसिकली कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की गई, तो कहने का मतलब ये कि इनके द्वारा मॉडल तैयार किए गए कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है कोर्ट की, और यहां पर अभी जब 9 जज हमारी कंट्री में कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए गए, पहली बार उसको लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू यहां पर दिखाया गया। नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान भी हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि लॉन्च किया गया था इंडियन जुडिशियरी के लिए 2005 में, कि हम लोग आगे चलकर आराम आराम से ना ई कोर्ट बनाएंगे, तो ये ई कोर्ट बन गया, पर लेकिन ये खुश नहीं है। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट में आप लोगों ने देखा यहां पर कई सारी चीजें लॉन्च भी की गई अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, पर लेकिन अभी जो यहां पर जो जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुश नहीं है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि ढंग से चीजें नहीं हो पा रही है, तो इसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। फायदे क्या हैं, फायदे तो देखो ये है कि अफोर्डेबल है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर भी बैठे हो ना आप लोग, दिल्ली में जो कोर्ट है उसमें आप लोग बातें कर सकते हो आराम से, अपने केस सुनवा सकते हो, ठीक है। फास्ट डिलीवरी होती है जस्टिस की, झट मंगनी फट बिहा वाली बात होगी। ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी काफी लार्ज स्केल पर, और इंटीग्रेशन एक तरीके से जुडिशरी का देखने को मिलेगा, यानी कि कहीं पर भी देश के अंदर रह रहे हैं तो आसानी से जुडिशरी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चैलेंज में कई सारे ऑपरेशनल डिफिकल्टी रहती है, हाईजैक कर लेकर वो कोई अगर साइबर थ्रेट देखने को मिले, ढांचा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके का, मेंटेन कैसे करना है रिकॉर्ड को वो देखना पड़ेगा, पता चला कोई यहां पर आकर सारी चीज चुरा कर ले गया, ठीक है, तो फिर हो जाएगा चोर 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 मचाए शोर, वो चाहे चले गए, पता चला कोई धांसू टाइप का चोर आ गया, ठीक है। तो इसके चलते प्राइवेसी का इश्यू बन जाएगा, तो केस पुत्ता स्वामी केस क्या बोलते हैं, तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है आप लोगों के, पता चला केस जो है यहां पर ऑनलाइन मीडिया में घूमते फिर रहे हैं सब जगह, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 21 यहां पर बात करता है प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के बारे में, तो ये याद रखिएगा राइट टू लाइफ मतलब राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो ये है बेसिकली डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, नीड है सफिशियंट मशीनरी होनी चाहिए, डेटा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे कनेक्ट कर लोगे, तो 5G सिस्टम जल्दी आना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बात करने के लिए लिखने के लिए, तो ये सारे मुद्दे अगर समझ पाओगे तो लिख भी पाओगे, लिख पाओगे तो फिर अच्छे मार्क्स भी दे पाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना, अफोर्डेबल, फिर एक तरीके से फास्ट डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रेशन जुडिशरी, और चैलेंज मैंने आप लोगों को बताई दिए, तो नहीं गई एक तरीके से द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही है कि आप लोग अच्छा कुछ काम करोगे पावर मिलेगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी भैया, ऐसे तो है नहीं कि फ्री में पावर मिल जाती है, तो जरूरी है रेस्पॉन्सिबिलिटी का होना भी, ठीक है। तो यह बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज का डिस्कशन, कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना, काफी इंटरेस्टिंग, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिला होगा, देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, और देखिए फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए, ठीक है, जरूरी होता है फीडबैक देना, इससे मुझे अच्छा लगता है, तो जो भी कई घंटे मेहनत रहती है कम से कम उसमें कुछ सेकंडों के अंदर फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में 10 में से कितने मार्क्स देंगे बता सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो कभी लिखते ही नहीं है, लिखकर तो देखो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट होगा। एक बच्चा बोला सर आज तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है, कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से, बेटा कोई कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है यार, लिखो अपनी चीजों को शेयर करना स्टार्ट करो तभी कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर राइटिंग जो है कोई वहां के फिर से सीख के नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग चीजों को स्टार्ट करोगे तभी सीखोगे, ओके। हम लोगों ने क्या क्या बात की, वर्ल्ड बैम्बू डे के बारे में बात की, इंटरनेशनल इक्वल पे के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है, हम लोगों ने बात की शॉर्ट न्यूज के बारे में, समझी कई सारी बातें, जिसमें हम लोगों ने जाना बेसिकली क्वाड के बारे में, इसी के साथ में हम लोगों ने ब्रिक के बारे में जाना, यहां पर संसद टीवी के बारे में काफी डिटेल में सारी चीजें समझी, हम लोगों ने समझा क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड बातें समझी, ठीक है, ई जो एनवायरमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम लोगों ने बात की, और उड़ान, ये वो वाली उड़ान नहीं है, ये है बेसिकली एजुकेशन वाली उड़ान, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखना। एक रिपोर्ट के बारे में जानी, काफी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, खासकर जो मैंने बोला है अपने जो एरिया के बारे में आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है, साउथ एशिया के बारे में तो लगभग 1.8% के करीब चाहिए देखने को,
पढ़ी है। वर्चुअल कोर्ट के बारे में कई सारी चीजें जानी, तो अगर पूरा लिखने के लिए भी आ जाए आंसर राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट के बारे में भी याद रख सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये कुछ बातें होगी, तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। अब आप लोगों के सामने है बेसिकली क्वेश्चन, इनका आंसर दीजिए। वर्ल्ड बैम्बो डे जो है उसकी थीम बतानी है, इंटरनेशनल इक्वल पे के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में आप लोग बताइए, इंडिया और कौन सी कंट्री है बेसिकली मालाबार के, अच्छा ये तो मैंने बताई दी आप लोग, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ब्रिक के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को बताना है वाई एस एफ क्या है बेसिकली, रिम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कौन, रिमी तो आर एम आई के साथ मिलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को आगे, वो सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। यूनेस्को के साथ में मिलकर कौन से जो कंट्री ने काम किया था आईटी बॉम्बे स्टैब्लिश करने में, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ग्राउंड्सवेल, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हल्क बन जाए, ठीक है, हल्क हल्क मतलब कोई सामने आए तो उसको उड़ा कर ले जाए, ओके। तो बताइए हल्क जानते हो, कोई समझ पा रहा है, मतलब देखी होगी हॉलीवुड मूवी तो चलिए कोई नहीं, जो जानता है चलिए सही है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला है हल्क कौन था, ठीक है। वर्ल्ड पेशेंट बात की जा रही है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में, तो थीम आप लोगों को बतानी है। पीआईएसए क्या है जिसके बारे में डिस्कस किया था, ये आप लोग बताइए। इंटरनेशनल जो सर्वे है उसके बारे में आप लोग बताना है। ओईसीडी ये क्या है, ये आप लोग बताइए। इसके द्वारा कब कंडक्ट कराया गया था, इंडिया ने एक बार पार्टिसिपेट किया, वो क्या था, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। यहां पर बात करें ओशन के बारे में बात की जा रही है, तो एक सबमरीन वोल्केनो के बारे में बात की थी जापान के अंदर, तो कौन से ओशन में देखने को मिला था, इसका नाम था यहाँ पर फुकुटुकु, ठीक है, फुकुटुकु ओकानबो ओकानबा, ठीक है, तो ये था बेसिकली, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में जाफड़ के बारे में बात की थी, और ये जाते जाते बात की थी, भूल गया था इस आर्टिकल को डिस्कस करना, तो कई सारे बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पर, कह रहे उसने देखा नहीं होगा, ठीक है, कह रहा है कि सर न्यूज़ कब पढ़ाई, एक कमेंट बॉक्स में बोल रहा था, पहले सुन तो लिया करो, भाग जाते हो बीच में लेक्चर छोड़ के, फिर बोलते हो न्यूज़ कहाँ, फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिर बोलोगे सर पढ़ाया नहीं, सर ने पढ़ाया था, रुके नहीं बेटा, ठीक है टाइम पर। आगे बात करते हैं, निजनी के बारे में बात की जा रही है, तो कहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। पे नाउ किस कंट्री की कंपनी है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों के द्वारा अभी जो पीवीडी यानी कि पैसेंजर वेरियंट जो डोर्नियर है, ये हम लोगों ने गिफ्ट किया भी है कंट्री को, उसका नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन अब तक यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट अब इंप्लीमेंट किया गया, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है इसके बारे में कब का है फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो आंसर देख लेते हैं, 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, इसको अब इंप्लीमेंट किया गया 2021 में, मॉरिशस को हम लोगों ने गिफ्ट किया है, गिफ्ट किया गया बेसिकली लीज पर दिया है, तो यहाँ पर ये बेसिकली याद रखिएगा इसके बारे में। आगे हम लोग बनाकर भी देंगे मॉरिशस को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। पे नाउ जो है वो सिंगापुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बस सिंगापुर की कंपनी है। रशिया के द्वारा यहाँ पर यह जाफड़ एक्साइज देखने को मिल रही है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन के बारे में बात की गई, याद रखना इसके बारे में, यहाँ पर ये वोल्केनो देखने को मिला। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी तो साइन 9 ये ऊपर से देखते हैं, PISA प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर असेसमेंट, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था काफी पुराने टाइम पे, लगभग 2000 में इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 2009 में, और एक ही बार पार्टिसिपेट किया गया, उसमें बेइज्जती हुई थी, नीचे से टॉप किया था हम लोगों ने। अभी 2022 में जो होने वाला है 21 में होनी कोविड-19 के चलते, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा पार्टिसिपेट करके इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सेफ मेटीरियल एंड न्यू बोर्न केयर, सॉरी मेटीरियल बोल रहा हूँ मैटरनल, ठीक है, सेफ मैटरनल एक तरीके से और न्यू बोर्न यानी कि जच्चा और बच्चा की ध्यान रखना, पेशेंट सेफ्टी के बारे में ये बात की जा रही है। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो बताना यार, अगर नहीं किया तो वो भी बताना यार, ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हैं पर, लेकिन वीडियो देखकर तो डिसलाइक किया करो, पूरी पहले डिसलाइक कर देते हो मुझे पता है वो बाहर के आदमी है, आप लोग नहीं हो पता है मुझे कौन है वो, ठीक है कोई चाहने वाले हैं मेरे जो वीडियो आते ही एकदम खोल कर देखते हैं यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, बाकी तो आप लोग जानते हैं सारा क्या करना है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना यार, बाकी का अपने परिवार का ध्यान रखिए, बीमारियाँ चल रही हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए, ताकि बीमारियों से बचकर रहें, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।